आपको यकीन नहीं आएगा, जब मैं सेनेटर मुंतखब हुआ तो मैंने मैरीटाइम अफेयर्स की कमेटी से पूछा, मैं आई वाज द मेंबर देयर, मैंने पूछा जी ये ट्रांसशिपमेंट रूल्स कहाँ हैं, कहता है वो क्या होते हैं जी। और मैं 100% इस बात पे श्योर हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की ग्वादर से है और वो जरूर होगा। आज का दिन माशाल्लाह वो मुबारक दिन है जब हमारे बुजुर्गों ने, जब ग्वादर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था तब उन्होंने एक जद्दोजहद की है, बहुत लंबी जद्दोजहद है उसके बारे में पीछे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैसे देने से वो ओमान गवर्नमेंट ने हमें उठाकर ये जमीन दे दी, उसके पीछे हमारे बुजुर्गों ने जद्दोजहद की, उसके पीछे पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए ख्वाहिश का इजहार किया, तब जाके मैं फिर उस पर आगा खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, प्रिंस आगा खान जो इनसे पहले थे उन्होंने ग्वादर के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पेमेंट्स की और ग्वादर अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ये 1958 से जब ग्वादर हमने खरीदा उससे पहले हमारे बुजुर्ग ट्रांसशिपमेंट का ही काम करते थे, लेकिन बदकिस्मती देखें हमारे मुल्क की या हमारी कि आपको यकीन नहीं आएगा, जब मैं सेनेटर मुंतखब हुआ तो मैंने मैरीटाइम अफेयर्स की कमेटी से पूछा, मैं आई वाज द मेंबर देयर, मैंने पूछा जी ये ट्रांसशिपमेंट रूल्स कहाँ हैं, कहता है वो क्या होते हैं जी। ट्रांसशिपमेंट रूल्स इस मुल्क में पिछले साल बने, उसके सारो इस साल इशू हुए, जैसे सर ने सारों के डिटेल्स भी बता दिए। ये हमारी बदकिस्मती सी, ये इस वजह से हमारी चीजें डिले होती गई। अब अगर हम बात करते हैं, सर बात कर रहे थे अभी, बता रहे थे कि वहां पे वाईफाई का सिस्टम सही होना चाहिए, ये मैं आता हूँ जवाब साहब ने जो बातें की उसकी तरफ भी आता हूँ उसमें। ये पहले मैं बता दूं कि क्या लूपहोल्स थे, क्या चीजें थी, जो क्या चीजें खराब थी जो इस गवर्नमेंट में आकर हमने, जो मैंने आपको कहा पहले कि ग्वादर ग्वादर सुन सुन के, ग्वादर बोल बोल के हम चीजें बेहतर करने की तरफ बढ़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वाईफाई की बात कर रहे थे आप, वी बॉक्स सिस्टम ही नहीं था ग्वादर पोर्ट पे। आप 160 उसकी बात कर रहे थे कि 160 हैंडल किए उन्होंने 6 सालों में शिप्स अपने पोर्ट सिंगापुर अथॉरिटी ने, वो उन्होंने खुद से भी हैंडल नहीं किए, वो सारे के सारे गवर्नमेंट फंडेड जो हमारे सब्सिडाइज वो थे शिप्स थे, उन्होंने वो हैंडल किए थे उस जमाने में, उन्होंने खुद से कोई काम नहीं किया। लेकिन काम करने का किसी को हमने मौका ही नहीं दिया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की अगर आप बात करते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो एक्ट है बलूचिस्तान में वो पिछली गवर्नमेंट में ही तो हुआ है, उससे पहले यानी कि 3 साल पहले, उससे पहले तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जिक्र ही नहीं होता था बलूचिस्तान में, इस तरह की कोई चीज ही नहीं थी, चीजें बिल्कुल अजीब सी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाकर वीबॉक स्टार्ट कराने के लिए आपको फाइबर ऑप्टिक की जरूरत होती है, वो इस गवर्नमेंट ने कनेक्ट कराया। ग्वादर पोर्ट की आज हम बात के बैठ के बात जो कर रहे हैं वो इसलिए कर पा रहे हैं कि ग्वादर पोर्ट में जो हमने कंसेशन एग्रीमेंट में उनको ये टैक्स एग्जेम्पशंस दिए हुए थे वो सिर्फ बराए नाम दिए हुए थे, कंसेशन एग्रीमेंट का जिक्र तो उसमें था लेकिन उसका कोई कानूनी हैसियत नहीं था। इस पिछले बजट में जाकर, इस बजट उस पिछले बजट में जाकर गवर्नमेंट ने प्रॉपरली इस कंपनी को, जिनके पास चाइनीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी है उनको, इस दफा तो 1 साल हुए हमें उनको टैक्स एग्जेम्प्टेड किए हुए, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक्स थी वो बिजनेस रिलेटेड। अब आपने बात की तो मैं बिजनेस रिलेटेड पहले बात कर लूं, उसके बाद मैं पब्लिक रिलेटेड बातों में आऊंगा। कुछ चीजें बेसिक्स थी जो ना पिछले गवर्नमेंट ने की, ना किसी ने वो काम किए, ना किसी ने तवज्जो दिया, सिर्फ आते थे तकरीर करते थे, सब ग्वादर बोलते थे, प्रॉपर्टी का काम होता था, प्रॉपर्टी लोग बेचते थे खरीदते थे, जमीनों का कारोबार चलता था, बस ग्वादर वहां तक महदूद था। यही तो मैंने आपको शुरू में कहा, इससे अच्छे तो हमारे दादा जो थे वो हमें किससे सुनाया करते थे कि हम चांदी लाते थे, सोना लाते थे, शिप आता था एक इंडिया से, वो हमारे लिए कराची से शिप आता था, वो छोटा शिप यहाँ लगता था, फिर बड़े शिप आते थे, उससे माल हम लोग सारे गल्फ भेजा करते थे। ट्रांसशिपमेंट का बिजनेस तो फिर 1958 से पहले करते थे लोग, तो बेहतर करते थे। जब से इस मुल्क का हिस्सा बना तब से हमने बेड़ा गर्क कर दिया, हमने काम करना छोड़ दिया, हम मेहनती लोग नहीं है। वहां पर चाइनीज बैठे हैं, मैं चाइनीज को देखता हूँ, उन्होंने ग्वादर में एक बिल्डिंग बनाई है, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने विजिट किया होगा उस बिल्डिंग को, वो जो उनका जो बिजनेस सेंटर है 5.5 महीने में उन्होंने बिजनेस सेंटर बनाया। अगर हमें वो दे दे हम वो 5.5 साल में भी ना बनाए जैसे हमारी कारकर्दगी है। तो इसीलिए मैं अपने लोगों को बोलता हूँ हमें अब चलने के लिए दौड़ने की जरूरत है, हम पहले ही अपना बहुत सारा वक्त खराब कर चुके हैं, बहुत सारा वक्त गुजार चुके हैं। अगर हमें ग्वादर में बिजनेस स्टैब्लिश करना है,
देखें इस मुल्क में जैसे सर ने बताया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सामने जो शिप्स गुजरती हैं वो सबसे ज्यादा उनका जो कॉस्ट पड़ता है वो उनका इंश्योरेंस कॉस्ट पड़ता है। अगर वही चीजें छोटी शिप से ऑयल गैस जितना भी है जो चाइनीज है उनका 30% इम्पोर्ट वहां से गुजरता है, अगर हम सिर्फ वहां पर लाकर डंप कर दिया करें छोटे शिप से, उससे एक तो बिजनेस बढ़ जाएगा, दूसरा हमें इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत कम पड़ेगा, ये बहुत अच्छी बिजनेस ट्रांसशिपमेंट हो सकती है सिर्फ ऑयल की। मुशर्रफ साहब हमेशा बोला करते थे कि ग्वादर इज द कॉरिडोर फॉर द एनर्जी, लेकिन बदकिस्मती देखें आज तक ग्वादर में बिजली नहीं है, जिसे हम 20 साल पहले कॉरिडोर फॉर द एनर्जी बोलते थे वहां आज तक बिजली नहीं है, तो आप बिजनेसमैन को कैसे लेकर आएंगे वहां पर। आपके इससे पहले 4 साल से ये कोल पावर मैं अभी देख चीजें होंगी, बिल्कुल होंगी, लेकिन कहीं कहीं उससे तो बेहतर है कि कहीं ना होने से, और वो उसको इस तरह से प्लान किया, उसको शहर से बाहर किया। और इनको मैं बता दूं सारे दोस्तों को, जो समंदर के ऊपर नजदीक लगते हैं ना वो असल में ट्रैवलिंग जो होती है कोल की उससे ज्यादा डस्ट और उससे ज्यादा एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ता है, उसके धुएं पे आजकल तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसको तो कवर किया जाता है, तो चूंकि ग्वादर में समंदर के सामने लग रहा है तो उसमें बहुत ही कम वो हमारे एनवायरमेंटल सारा स्टडी होने के बाद। लेकिन किया क्या हमने उन लोगों के साथ, चीनियों के साथ, 4 साल तक जब मैं आया 4 साल तक वो ओवरहेड एक्सपेंसेस करते रहे, हमने जमीन दे दी, पहले भाई जाएं नेपरा में केस फंस गया, फिर तो यहाँ फंस गया, फिर वहां पे फंस गया केस उनका, आगे नहीं जाता, आखिर में जाकर हमने पूछा भी बिजली नहीं है, बगैर बिजली के ग्वादर में आप सब कुछ बना दें, आप सड़कें बना दें, सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें, जब बिजली नहीं होगा तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों आएगा इंडस्ट्री लगाने वहां पर। तो हमने बहुत मिन्नतें करके, आप यकीन करें इस गवर्नमेंट को भी मिन्नतें करके पावर परचेज एग्रीमेंट कराया चीनियों का। अब आ जाए दूसरी तरफ, एक और कंपनी है जैसे जवाद भाई भी बता रहे थे उस वक्त, तो आई अप्रिशिएट कि इन्होंने बहुत काम किया ग्वादर में, और ये 50 मेगावाट का एक और कंपनी है जर्मनी वाली जो 50 मेगावाट का 3 रुपए पे देना चाह रहे हैं बिजली, लेकिन हम नहीं खरीद रहे क्योंकि हम कह रहे हैं हमारे पास सरप्लस है। अगर मुल्क में आज बिजली सरप्लस है तो क्यों सरप्लस है, उसमें हमारी नालायकियां है। हमें चाहिए था कि जब हम बिजली महंगी खरीद रहे थे तो उस वक्त हमारा प्लान ये था कि हम यहाँ पे SEZs बनाएंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाएंगे। आज तक जब हमने बिजली तो खरीद ली, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स नहीं बनाए, अब हम कहते हैं कि हमारे पास सरप्लस बिजली है। सरप्लस बिजली तो भाई होनी थी आपके पास, जब आपके पास बिजली इतनी आ गई है तो आपने उसके ऊपर जो काम करना था वो किया नहीं। असल में हम अभी तक इस मुल्क में इस मुल्क को अपना समझ कर नहीं चल रहे, क्योंकि हम ग्वादर वाले लोग जितने भी हैं हमने बड़ी मेहनत की है, और शायद 20 साल का फासला भी है थोड़ा सा कि हमें अभी तक अभी एहसास है अपना कि हम कैसे आए मुल्क में मिले, तो हमें दर्द होता है इस बात का। हमें एहसास है कि जो चीजें अच्छी होनी चाहिए उस मुल्क में वो अभी तक अच्छी नहीं हो पाई हैं, और उसमें कोताही किसी और को नहीं, अभी सर बैठ के चाइनीज से रिक्वेस्ट कर रहे थे हम किसी से, वो दे उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है सर, ग्वादर ग्वादर पोर्ट में आना, ग्वादर की स्ट्रेटेजिक लोकेशन यूटिलाइज करना, ना सिर्फ चाइनीज बल्कि इस मुल्क इस दुनिया में बैठे बाकी लोग हैं उन सबकी रिक्वायरमेंट है, उनको इस्तेमाल करना है। लेकिन क्या हम उनको ईज ऑफ बिजनेस दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप फेडरल गवर्नमेंट से छूटते हैं तो आप आ जाते हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट में फंस जाते हैं। अगर आप जैसे जवाद भाई अभी बात कर रहे थे, मैं आ जाता हूँ इलेक्ट्रिसिटी चले आप कनेक्ट कर देते हैं ग्रिड स्टेशन को पाकिस्तान ग्वादर में, बिजनेसमैन तो चलो फायदा उठा लेगा आज से 2.5 साल बाद, क्या 2.5 साल तक हमारे लोग या मैं ग्वादर में जो मैं रहता हूँ क्या 2.5 साल तक मैं बगैर लाइट के रहूं, क्योंकि वहां पर तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही नहीं है। अभी जवाद साहब कह रहे थे कि आपने पानी जो है पहुंचा दिया है ग्वादर तक, आपने ग्वादर के शहर पे बाजार पे जगह पे पहुंचा दिया है पानी, बिल्कुल पहुंचाया, और आपने उतना पानी पहुंचाया कि जिससे इतनी की हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन जब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही नहीं है तो क्या हम गधे गाड़ियों से जैसे हम बचपनों में ले जाते थे उनसे पानी पहुंचाए, या फिर वहां से फिर टैंकरों को पैसे दें पानी ले जाए। देखें उसमें मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट का कोई कसूर है या पैसे नहीं दिए किसी ने, फेडरल गवर्नमेंट ने जितने पैसे ग्वादर को दिए हैं, जितना फेडरल गवर्नमेंट ने ग्वादर के लिए किया शायद फेडरल गवर्नमेंट का उतना हक भी नहीं बनता था। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरी कोई हमदर्दियां हैं इनसे, इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पिछले 20 सालों से ग्वादर को देखा है। आई वॉज वर्किंग देयर इन ओमान एज अ बैंकर, वहां पर मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब ने तकरीर की आ जाओ अपना मुल्क बनाते हैं,
तो आई लेफ्ट, आई क्विट माई जॉब, आई केम हियर. मैं तब 20 सालों से लगा हुआ कि ग्वादर बनना कैसे. मैंने देखा नहीं बनता ग्वादर, मैंने कहा चलो भाई मैं सैनेट में जाके कोशिश करता हूँ. दोस्तों को पकड़ा, एमपीएस को पकड़ा, चलो मुझे सैनेट में बचाओ. यहाँ आकर पता चला कि नालायकियां तो हम में, इतनी हमारे पास मैनेजमेंट लूप होल्स हैं बलूचिस्तान में, इतना हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं ग्वादर में कि काम हो ही नहीं सकते आपके. आप यहाँ पर पैसे देने के लिए लगे रहे, आप पैसे देते रहे. अब आए दिन आप लोगों को शायद पता होगा, पिछले 2 हफ्ते 2 महीने में आए दिन ग्वादर में हड़तालें होती रही, क्योंकि ये पीक सीजन होता है. यहाँ पर गर्मियों की सीजन में हम इलेक्ट्रिसिटी, जैसे जवाद भाई ने बताया, आप सब लोगों को पता है, हम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं ईरान से. ईरान के पास खुद 80 मेगावाट आता है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरे मकरान की 130 है. अब वो 80 से कट करके कभी 20 पे आ जाते हैं, कभी 10 पे आते हैं, कभी कभार 2-2, 3-3 दिन ईरान हमें बिजली भी नहीं देता, क्योंकि उनके अपने पास बिजली के शॉर्टफॉल आ जाता है. उन्होंने जहां से हमारे लिए अरेंजमेंट की हुई है वहां पर हम जाकर बिजली नहीं ले सक रहे. वो ग्वादर गप, जैसे उन्होंने बॉर्डर का नाम लिया, अभी हम मंद बॉर्डर से बिजली ले रहे हैं. उन्होंने हमारे लिए अरेंजमेंट किए हुए गप की तरफ अपना ट्रांसमिशन लाइन लेकर आए हैं, वहां से हमारी कनेक्टिविटी नहीं है. तो जब बिजली नहीं होती तो पानी हमारा सारा डैम्स में है, वो पंपिंग स्टेशन से आता है, तो पानी भी पंप नहीं हो सकता था. ग्वादर पिछले 1-1.5 महीने तक हड़तालों में रहा. रीजन, मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने डैम्स के लिए 23 अरब रुपए नहीं दिए, यही तो हमारे लोग हमें फिर पूछते हैं कि भाई तुम लोग 23 अरब रुपए खा गए, पानी नहीं है और बिजली नहीं है ग्वादर में, क्यों नहीं है. उनको भी हमें समझाने की जरूरत है कि सिर्फ सियासतदान का सुरवार नहीं होता, कुछ चीजें ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेदारी होती है, कुछ चीजें एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है, कुछ चीजें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर एक इंडिविजुअल की कि वो सोचे और बताए. अभी बता रहे थे हमें 30 गैलन पानी पहले से मिल रहा है, अब 30 गैलन पानी आ जाता है, पैसे दिए फेडरल गवर्नमेंट ने, पानी पहुंचता है बलूचिस्तान हुकूमत के पास. बलूचिस्तान हुकूमत के जो हमारे बंदे हैं उन्होंने पहले 8 किलोमीटर भी कनेक्ट नहीं किया हुआ था, अभी कर लिया 8 किलोमीटर. अब उन्होंने करना है डिस्ट्रीब्यूट इस पानी को. भाई पानी डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे जब पाइपलाइन ही नहीं है, जब आपको बंदे के घर तक पानी पहुंचाने के लिए पीछे से आपने डैम बना लिए, बड़े बड़ी चीजें लगा दी. मुझे जो लगता है कि अगर हमें चैलेंजेस है ना, जो हमें अभी, आपको सर मैं करेक्ट करता चलूं थोड़ा सा, आपने कहा कि मैं एडवाइजर हूं, मैं एडवाइजर था, अभी नहीं हूं, पिछली गवर्नमेंट में एडवाइजर था वजीर आला साहब का. तो अब हमें ये चाहिए कि हम लोग वहां पर जो बलूचिस्तान हुकूमत के लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं, हमारे लोग हैं अपने, हमारे ऑफिसर्स भी हमारे अपने. आप ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को ले लें, ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, वहां आप कितने ही अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को लगा दें ऑफिसर, लेकिन जो नीचे टेक्निकल लोग हैं वो क्या कॉम्पिटेंट लोग हैं? आप ले आए किसी भी बहुत अच्छे बंदे को वहां का डीजी लगा दें, चेयरमैन लगा दें, जो भी लगा दें, लेकिन क्या कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स? मैकेनिकल इंजीनियर को आपने चीफ इंजीनियर बना के बिठाया हुआ है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर उसको आपने वहां पर बिठाया हुआ है एज अ टाउन प्लानर. आप देखें, उन्होंने शहर बनाना है, जो मास्टर प्लान की तस्वीर हमें जवाद भाई अभी दिखा रहे थे, क्या उन्होंने शहर बनाना है? फिर एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने शहर बनाना है, तो संजीदगी का मुजाहरा करना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को भी. मैं कोई अपोजिशन नहीं कर रहा किसी की, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल दुखता है, मेरा मुल्क है, और मुझे इस बात की, मैं इस बात से मैं उम्मीद रखता हूँ और मेरी ख्वाहिश है, और मैं 100% इस बात पे श्योर हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की ग्वादर से है और वो जरूर होगा. हम नहीं कर सकेंगे, हमारे आने वाले बाद के लोग करेंगे, और उसको तरक्की, क्योंकि वो जमीन ऐसी जमीन है, वो ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जिसकी दुनिया को जरूरत है. मैं 2004 में चाइना के बारे में पढ़ा करता था कि चाइनीज जो है वो जीडीपी ग्रोथ के साथ है, 10% जीडीपी ग्रोथ है, तो ये है तो वो है. मैं लंदन गया, लंदन में मैंने सामान उठा के, हर तीसरा सामान उठा के देखा तो वाकई में चाइनीज थे. तो आज भी चाइनीज उसी ग्रोथ पे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा अच्छी रिक्वायरमेंट है. हमारी ट्रांसशिपमेंट के लिए हमारी जगह बहुत बेहतरीन है. उससे सिर्फ और सिर्फ हमें 2-4 चीजें करने की जरूरत है. एक, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को वहां पर ऐसे ऐसे ईज ऑफ बिजनेस के सिस्टम को प्रमोट करना चाहिए जिससे हर पाकिस्तानी महफूज समझे अपने आप को और आसानी से आए. सिक्योरिटी, सिक्योरिटी देखें ग्वादर, मैं समझता हूँ कि ग्वादर जितना सिक्योर है उतना तो इस्लामाबाद भी सिक्योर नहीं है. इसी सिक्योरिटी को, उसके दुश्मन हमारे इतने ज्यादा हैं, लेकिन
दुश्मन इतने ज्यादा हैं उसको खराब करने के लिए आते रहते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले भी एक पहला वाकया या ग्वादर में इस तरह का पेश आया कि जहां पे सुसाइड बॉम्बिंग हो। तो हमें जहां पर कोई फायदा है तभी तो लोग हमें नुकसान पहचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें एज अ कौम इस बात को समझने की जरूरत है। हमारे लोग जो लोकल्स हैं जैसे मैं हूँ, हम लोग, हम सब तरक्की चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा शहर बने। हम ये नहीं चाहते कि आप भी आए, आज आप बातें कर रहे हैं, कल कोई और बात करके जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा, पहले मैं अपने दादा की बातें सुनता था, फिर उसके बाद पॉलिटिशियंस की, फिर अभी भी मैं बातें सुन रहा हूँ, आजकल मैं खुद भी बहुत ज्यादा बातें करने लग गया हूँ। तो ऐसे ना हो, ग्वादर ने तो बनना है, ऐसे ना हो कि हम लोग अपने ये जो नई जनरेशन आने वाली हो उनके लिए ना बना सके, वो आए और अब वो हमें कोसे और बोले देखें ये काम नहीं कर सके। उनके ऊपर हमें बर्डन कम करने के लिए हमें खुद मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे सर ने कहा कि ट्रांसशिपमेंट का, तो मैंने आपको बता दिया कि एक 70 साल का बूढ़ा मुल्क जिसमें एक साल पहले ट्रांसशिपमेंट रूल्स आए हैं, आप देखें अपॉर्चुनिटीज। अब आपको बताता हूँ कि आपके पास क्या है। आप ले लें श्रिम्प फार्मिंग, फिश फार्मिंग को। जब आप 1970 में आपका सी फूड जो एक्सपोर्ट था वो $200 मिलियन था, वियतनाम का जीरो था। आपका आज जो हो गया है वो $400 मिलियन आपका एक्सपोर्ट है और वियतनाम का 12 बिलियन है। चाइनीज एक कंपनी सिर्फ $23 बिलियन की एक्सपोर्ट करती है। आपके पास इतना बड़ा सी है, आप क्यों नहीं करते काम? नहीं करते, इंटरेस्ट ही नहीं है किसी का। मुझे तो दुख इस बात का है कि हमारे लोग, मुझ समेत, शायद हम लोग इस या धर्म नहीं रखते मुल्क के लिए, या इस मुल्क को अपना नहीं समझते, या ओन नहीं करते चीजों को। क्यों हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते? क्यों हम इस बात को भूल जाते हैं कि इस मुल्क की वजह से हमारी इज्जत है? तो मैं अपने नौजवानों को आपके तवस्सुत से, आपके सेमिनार के तवस्सुत से ये यकीन दिलाता हूँ कि ग्वादर के लोग आपके साथ हैं, वो तरक्की चाहते हैं, उनको तरक्की करनी है। वो तो मेरी शक्ल में आपके सामने मौजूद हैं, जो 20 साल से कह रहे हैं खुदा के लिए आ जाओ इलेक्ट्रिसिटी दे के ग्वादर को बनाओ, खुदा के लिए आके वहां पर चीजें बेहतर करो। मैं लेकिन आपको आखिर में एक चीज अप्रिशिएट जरूर करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग की। असद उमर साहब मेरे दोस्त नहीं है, लेकिन आई शुड अप्रिशिएट, और मैं उनको अप्रिशिएट जरूर, वो पर्सनली आए साधन बलुस्तान में, मकरान में, ग्वादर में, जो मैंने अभी आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के लिए बातें की, वो उनका पूरा प्लान बना के गए, उन्होंने ये पैसे भी अप्रूव कर दिए। अब मेरी आप ही के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है दोनों गवर्नमेंट से, मैं चूंकि अपोजिशन का हिस्सा हूँ अब, तो मेरी दोनों गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पैसे तो आप लोगों ने रख लिए, खुदा के लिए उनको सही आतों पे दे, सही जगह पे खर्च कराएं। मैं यकीन करता हूं अगर ये पैसे सही आतों में जाएं और सही जगह पे खर्च हो जाएं तो ग्वादर 2 साल में पाकिस्तान को पैसा देने के काबिल बन जाएगा। और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, 5 लाख लोगों को ग्वादर अगले 5 साल में, जो हमारे पास तकरीबन 5 से 6 लाख स्किल्ड लेबर जो मौजूद है, जो अनएम्प्लॉयड है, स्किल्ड लेबर जो हमारी है 5 लाख से ऊपर, वो उनको रोजगार देने के कंडीशन में ग्वादर शहर सिर्फ एक शहर आ सकता है। लेकिन उसके लिए जो गवर्नमेंट ने प्लान किए, ये गवर्नमेंट जो प्लान हैं, ये जो बातें हैं जो अभी बता रहे थे, ये बिल्कुल चीजें हैं, उन पैसों की एलोकेशन है। मैं इन चीजों को गवाह हूं खुद, मैं देख रहा हूँ कि वाकई में इन्होंने इंटरेस्ट लिया, ये एक बार नहीं 10 बार ग्वादर चल के आए, चीजें कर रहे हैं। इनको सही आतों में दें, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को बताएं कि वो सही आतों में दें। हम अपनी तरफ से एज ए पॉलिटिशियन हर प्लेटफॉर्म पे ये बात करते रहेंगे, लेकिन एज एकेडमिक पर्सन और एज हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग, आप लोगों से भी मेरी दरखास्त है, सबसे, मेरे छोटे बच्चों, भाई जो मेरे सुन रहे हैं या मेरी बहनें जो सुन रही हैं, उनसे भी मेरी यही दरख्वास्त है कि वो प्लीज इस चीज को पाबंद बनाए। हमें पॉलिटिशियंस को, ब्यूरोक्रेट्स को, हर एक जिम्मेदार इंसान का ये फर्ज बनता है कि हम देखें खुद से कि क्या ग्वादर के लोग, अगर कोई मुझे सुन रहा है भी, तो ग्वादर के लोगों से भी कि वो अपना पैसा सही जगह पे इस्तेमाल करवाएं, और वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिनके लिए चीजें रुकी हुई हैं, वो बिजली का निज़ाम जिनके लिए चीजें रुकी हुई हैं, वो सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। और वो जैसे ही बेहतर होती है, तो ऐसे 8-10 इंडस्ट्रियलिस्ट मैं जानता हूँ जो पिछले 3 सालों से ग्वादर विजिट कर रहे हैं, आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं, कहते हैं बिजली नहीं यार, कहाँ लगाएंगे इंडस्ट्री। उससे पहले बोलते थे आपका जो पोर्ट है उसमें वीबॉक्स सिस्टम ही नहीं, हम कहाँ से चीजें क्लियर करेंगे। हमने बहुत मेहनत की है पिछले 3 सालों में, और मैं इस हुकूमत का भी शुक्रिया अदा करूंगा, उन्होंने बहुत मुझे हर मामले में सपोर्ट किया। उन्होंने ऐसा नहीं है कि मैं कहीं गया हूँ, उन्होंने मुझे मना किया, और ये सारे
प्रोजेक्ट्स जो आए हैं, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। पहले तो सिर्फ ग्वादर के बारे में बातें होती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ग्वादर की चीजें ग्राउंड पे उतरना शुरू हो गई हैं। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है। पैसे तो मिल गए, इनको चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को कि ये मॉनिटर करें, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को चाहिए कि ग्राउंड पे काम करे। ये मसले रिजोल्व होने होने में ज्यादा से ज्यादा 2 साल लगेंगे। 2 साल में ग्वादर वो कमाऊ पाता बच्चा नहीं बोलते जिसको सर, वो जो बच्चा माँ बाप पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, ग्वादर बड़ा हो चुका है। बस उसको थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है और सिंसेरिटी की जरूरत है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत है, वहां पर अच्छे ऑफिसर्स की जरूरत है, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से हो। मैं बहुत सुनता हूँ नए शहर डेवलप करने में, कहते हैं लाशारी साहब हैं उनका नाम, मैंने बहुत सुना है, उन जैसे शायद ऑफिसर्स की जरूरत हो ग्वादर में। पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि वो आगे बढ़े, वहां पर आए, हमारे साथ रहें। और आज का जो मुबारक दिन है, आज आज का दिन जिसमें हम लोग पाकिस्तान का हिस्सा बने, तो ये हमारे लिए ऐसा है कि हम जिंदगी भर इस खुशी में रहते हैं कि हम अपनों में आ गए वापस। हमारे लिए ये घर, हमारे लिए ये चीज, हम इसको अभी अब तक अपना घर मानते हैं, पूरे पाकिस्तान को घर मानते हैं। तो आए मिल के इस मुल्क को, इस शहर को बनाते हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान की तरक्की है, इसमें पूरे कौम की तरक्की है, उम्मत मुसलमान की तरक्की है। तो मिलके काम करना पड़ेगा सर। और मेरी आपसे एक इल्तिजा है, आपके तवस्सुल से तमाम जो सुनने वाले हैं, जो देख रहे हैं, उन सबको ये दरख्वास्त है कि जी आगे बढ़ें। इस मुल्क को, इस कौम को आपकी जरूरत है। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद, चाहे ग्वादर हो चाहे पाकिस्तान हो, बड़ी कुर्बानियों के बाद अल्लाह ताला ने हमें और आपको ये आजादियां नसीब की हैं। तो हमें सिर्फ अपने जाती मुफाद, अपनी जाती चीजों को सामने रखते हुए नहीं, हाँ अगर कोई दूसरे का बेहतर सोचेगा, इस मुल्क का बेहतर सोचेगा, एंड ऑफ द डे फायदा तो इस मुल्क का हमारा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपका, आपने बुलाया, आपने याद किया, आपने इज्जत दी। इंशाल्लाह ताला हम जरूर तरक्की करेंगे इस दुआ के साथ। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।